पैड से लेकर बैट तक किस खिलाड़ी की करी मिस्टर आईपीएल ने मदद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल रिंकू सिंह की हम यहां पर बात कर रहे हैं। रिंकू सिंह आजकल इंटरनेट सेंसेशन बने हैं। ये साल पूरा रिंकू सिंह के नाम रहा, ये साल पूरा रिंकू सिंह के लिए डिजाइन करा हुआ था। रिंकू सिंह आज हर किसी के दिल में राज कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जब से आईपीएल की वो 5 छक्कों वाली पारी आई है, जब जीटी और केकेआर का मैच चल रहा था, तो आखिरी 5 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर केकेआर को जीत दिला दी थी, और शायद वो पहली बार था। उसके बाद अब तक वो अनस्टॉपेबल है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी आपने देखा होगा जो पहला T20 मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी रिंकू सिंह ने वही रोल अदा करा। 6 नंबर पे आते हैं, छठे नंबर पर आते हैं और मैच को फिनिश करके जाते हैं। आखिरी बॉल पर छक्का लगा के उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिला दी थी 2 विकेटों से। आखिरी गेंद पर 1 ही रन चाहिए था, रिंकू सिंह ने अपना काम कर दिया और छक्का मार दिया। रिंकू सिंह अपने इस काम के लिए बड़े फेमस है कि मैच फिनिश करना। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिंकू सिंह ने मिस्टर आईपीएल के लिए क्या कुछ कहा है, मिस्टर आईपीएल का कितनी बड़ी छाप है रिंकू सिंह की लाइफ में। दरअसल रिंकू सिंह ने T20 मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इंटरव्यू में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब कुछ और मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा बढ़कर, मेरे खून के रिश्ते से भी ज्यादा बढ़कर है सुरेश रैना, यानी मिस्टर आईपीएल। सुरेश रैना ने मुझे बताया कि देखिए तू 3 या 4 बॉल ले ले टिकने के लिए, उसके बाद तू धड़ाधड़ मारना शुरू कर दियो। साथ ही उन्होंने कहा कि बैट से लेकर बैट तक सुरेश रैना ने मेरी हर जगह मदद करी है। वो मेरे आइडल और वो मेरे इंस्पिरेशन है, वो मेरा प्रेरणा स्रोत है। मैं सुरेश रैना का जितना भी धन्यवाद करूँ शायद वो कम होगा, और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि सुरेश रैना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैंने रैना से बहुत कुछ सीखा भी है। आगे उन्होंने कहा कि जब भी मुझे मदद, मतलब मुझे मदद चाहिए होती थी, बिना बोले मेरे वो मेरे घर पे सामान भेज दिया, मतलब भेज देते थे, चाहे वो पैड की बात हो या चाहे वो बल्ले की बात हो। उन्होंने मेरे को हर चीज दी है और उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूं, बस एक इंसान की वजह से, जो है सुरेश रैना। आगे उनसे जब पूछा गया कि क्या सपना है आपका, तो उन्होंने कहा कि देखिए अलीगढ़ से मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो आईपीएल भी खेला और टीम इंडिया में भी अब खेल रहा है, तो मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और मेरे सपने की जहां तक बात होती है, तो मेरा बस एक ही सपना, और किसी का भी वही सपना होगा, कि मुझे बस अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेलना है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 वाला, जो कि वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह जायसवाल, यानी यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, तो रिंकू सिंह अपना जलवा यहाँ भी बिखेर सकते हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए, ये जो रिंकू सिंह ने प्यारी प्यारी बातें कही हैं मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना के बारे में, कैसी लगी आपको?